तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इवोल्यूशन एक्स रोम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इवोल्यूशन एक्स जो रोम है इसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। काफ़ी दिनों पहले ही रिलीज हुआ, लेकिन मैं थोड़ा बीमार था तो मतलब बना नहीं पाया। हाँ, कोरोना नहीं हुआ था लेकिन थोड़ा बीमार था मैं तो अभी बना नहीं पाया वीडियो। तो 3-4 दिनों से मैंने अपने चैनल पर वीडियोज़ नहीं डाली है, तो अभी मुझे ठीक लग रहा है थोड़ा, तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बकवास कर ली। तो आज की इस वीडियो में हम इवोल्यूशन एक्स के जो फीचर्स हैं इनके बारे में बात करते हैं। अभी जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं, इस टाइम हम अपने Redmi Note 7 Pro के ऊपर इवोल्यूशन एक्स का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको इंस्टॉल करके रखा है, और कुछ इस तरीके का आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलता है। बाय डिफॉल्ट अगर हम यहाँ पे लॉन्चर की बात करें तो आपको यहाँ पे पिक्सल लॉन्चर देखने को मिलेगा। होम सेटिंग में आते हैं तो यहाँ पे आप अबाउट में देख सकते हैं वर्जन 11 आपको देखने को मिलता है। ऐप इन्फो में जाते हैं तो आपको यहाँ पे पिक्सल लॉन्चर देखने को मिले, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स भी देखने को मिले, जैसे कि डेवलपर ऑप्शन देखने को मिले, डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन देखने को मिले, बाकी आपको वही सजेशन, नोटिफिकेशन डॉट, यहाँ पे एट अ ग्लांस, ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि बेसिक यहाँ पे पिक्सल लॉन्चर के ऑप्शन है। लेफ्ट में अगर आप स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे गूगल की फीड देखने को मिलेगी, साथ ही में आपको यहाँ पे ऐप ड्रावर जो है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है जो कि पिक्सल लॉन्चर का ही है। वॉल्यूम पैनल आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिला है, यहाँ पे एक्सपेंड करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। पावर मेन्यू आपको यहाँ पे एंड्रॉइड का देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। होम स्क्रीन पे अगर आप टैप एंड होल्ड करते हैं तो आपको यहाँ पे विजेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, साथ ही में स्टाइल्स एंड वॉलपेपर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन के लिए। स्टाइल्स में आते हैं तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे प्रीसेट्स देखने को मिलते हैं, और अगर आप चाहते तो आप आपके कस्टम स्टाइल भी यहाँ पे बना सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन है। यहाँ पे आइकॉन सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सेंट कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, आइकॉन शेप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शन है। उसके बाद अप्लाई करेंगे और इस स्टाइल को आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। बाकी आपको यहाँ पे ग्रिड का ऑप्शन देखने को मिल जाते तो आप आपके हिसाब से कस्टमाइज ग्रिड भी बना सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे क्विक सेटिंग पैनल की, तो क्विक सेटिंग पैनल जो है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके के देखने को मिले। यहाँ पे मैंने कलर बकेट में से एक थीम डाल के रखी, वो आगे चलकर मैं इसके बारे में बात करूंगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, काफी मस्त लगता है आपको यहाँ पे। और एक ना मैंने यहाँ पे जिटरीनेस यहाँ पे मैसेज किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप इसको एक्सपेंड करेंगे एक हल्का सा आपको यहाँ पे स्टब देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी बार मैंने आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे एक्सपेंड करना चाहते तो एक मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए एक ऐसा स्टक हो जाता है एक जगह पे, तो ये एक बात मैंने यहाँ पे फेस की। और यहाँ पे सिस्टम यू आई का जो क्रैश है वो भी मैंने यहाँ पे 2-4 बार यहाँ पे फेस किया था। बाकी सेटिंग पैनल आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अबाउट सेक्शन में आपको इसका बता देता हूँ, तो अबाउट सेक्शन में जैसे आप आएंगे एंड्रॉइड वर्जन आपको यहाँ पे देख सकते हैं 11 देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच आपको यहाँ पे लेटेस्ट 5th June का देखने को मिल जाता है। कर्नल आपको यहाँ पे एज्योर का देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और जो इसके डेवलपर है उनका नाम है यहाँ पे यासिन अली, तो सारा का सारा जो क्रेडिट है वो इसके डेवलपर को ही जाता है। अभी अगर हम बात करें यहाँ पे अदर सेटिंग ऑप्शन की, तो नेटवर्क इंटरनेट में आपको मोबाइल डेटा, हॉटस्पॉट, वाईफाई, ये सब परफेक्टली वर्क कर रहा है। ब्लूटूथ, एंड्रॉइड ऑटो, ड्राइविंग मोड देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों आपको यहाँ पे द इवॉल्वर, जिसमें आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिलेगी, उसके ऊपर हम थोड़ी देर में आते हैं। पहले इन सब चीजों की हम बात कर लेते हैं सेटिंग पैनल की। बैटरी में आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिला, बैटरी हेल्थ वगैरह ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। स्क्रीन यूसेज आपको यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पे 7 घंटे तक स्क्रीन ऑन टाइम आराम से देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। डिस्प्ले की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे डार्क थीम वगैरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते, स्क्रीन सेवर, टैप टू वेक, पॉकेट डिटेक्शन, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी आपको यहाँ पे साउंड में जाते हैं तो वही आप यहाँ पे रिंगटोन्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, सिस्टम साउंड का ऑप्शन है, मी साउंड एनहांसर और क्लियर स्पीकर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते, तो ये काफी अच्छी बात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, ऐप लॉकर, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, सारी चीजें यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रही है। डिजिटल वेलबींग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो आप अपनी डेली एक्टिविटीज को यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। सिस्टम की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज एंड इनपुट का ऑप्शन है। जेस्चर में आपको यहाँ पे 3 finger स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि परफेक्टली वर्क कर रहा है यहाँ पे। साथ ही में आपको यहाँ पे डबल टैप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे डबल टैप टू स्लिप जो है वो आपको यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। क्विकली ओपन कैमरा, सिस्टम नेविगेशन, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको जेस्चर बार की जो लेंथ है और उसकी रेडियस है उनको एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी आपको बैकअप, रिसेट ऑप्शन वगैरह, ये सारे सिस्टम अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का सेटिंग पैनल आपको देखने को मिलेगा। अभी बात कर लेते हैं कस्टमाइजेशन के बारे में। तो जैसे आप इस ऑप्शन में आते हैं जिसका नाम है द इवॉल्वर,
तो इसमें आने के बाद आपको यहाँ पे थीम्स का सेक्शन है, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा थीमिंग रिलेटेड स्टफ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डार्क थीम यहाँ पे कुछ इस तरीके से अप्लाई करके रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे डार्क थीम में जाएंगे, इसको आप यहाँ पे इनेबल करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे जो कलर बकेट का ऑप्शन है उसको एक्सेस कर पाएंगे। अभी मैंने सोलराइज डार्क जो कलर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिला है। फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, मतलब यहाँ पे भर भर के फॉन्ट है। और ये जो फॉन्ट है ना वो आपको यहाँ पे सिस्टम वाइड देखने को मिल जाएगा, मतलब कि आपको यहाँ पे बस यहाँ पे लॉन्चर में देखने को नहीं मिलते, आपके पूरे सिस्टम में ये फॉन्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो देखने को मिल ही जाता है, स्टेटस बार में आपको वही फॉन्ट देखने को मिले, यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे लॉन्चर में भी वही फॉन्ट देखने को मिला है। और अगर आप यहाँ पे कीबोर्ड देखते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कीबोर्ड का भी, तो यहाँ पे कीबोर्ड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कीबोर्ड में भी वही फॉन्ट देखने को मिला। तो ये मतलब आपको यहाँ पे सिस्टम वाइड फॉन्ट देखने को मिलेगा। बाकी आपको आइकॉन शेप, आइकॉन पैक, ये सारे ऑप्शन है। स्विच स्टाइल का ऑप्शन काफी लोग पूछते हैं ये क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, स्विच स्टाइल जैसे आप सिलेक्ट करते हैं, ये जो आपको यहाँ पे स्विचेस देखने को मिलते हैं ना ऑन ऑफ के, उनकी स्टाइलिंग है। यहाँ पे मैं आपको एक बार रेट्रो करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो स्विचेस है वो चेंज हो चुके हैं। मटेरियल डिजाइन रखते हैं तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो मतलब ये जो स्विचेस है ऑन ऑफ के उनकी स्टाइलिंग। बाकी आपको कस्टम हेडर वगैरह ऑप्शन देखने को मिलते हैं, राउंडेड कॉर्नर्स का ऑप्शन है, इसको आप यहाँ पे जी विजुअल मोड में भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको राउंडेड कॉर्नर का ऑप्शन देखने को मिला, एंड्रॉइड 12 आपको यहाँ पे देख सकते हैं ना, राउंड शेप कॉर्नर आपको यहाँ पे देखने को मिले, एकदम स्क्वेरिश नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। तो कुछ इस तरीके से नेविगेशन बार का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे रोज मैंने रखा है तो कुछ इस तरीके देखने को मिलेगा रोज कलर। बाकी स्टेटस बार में जाते हैं तो ट्रैफिक मॉनिटर का ऑप्शन है, क्लॉक एंड डेट का ऑप्शन है, बैटरी बार का ऑप्शन है, बैटरी इंडिकेटर का ऑप्शन है, तो ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशन में जाते हैं तो आपको यहाँ पे वही हेड्स अप, टिकर, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, नोटिफिकेशन लाइट का ऑप्शन है। क्विक सेटिंग में आप यहाँ पे टाइल्स के जो रोज और कॉलम है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑटो ब्राइटनेस, एक्सपेंडेड क्यूएस, इन सब को आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप जाते हैं पावर मेन्यू में तो आपका यहाँ पे सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन है, एडवांस रिबूट का ऑप्शन है, बाकी आपको वही बेसिक ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जेस्चर में आपको यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन है, कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे आपका जो स्टेटस बार है वही से आप इसकी ब्राइटनेस जो है वो आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बाकी आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन का ऑप्शन, अगर आप इसमें आते तो आपको वही स्टेटस बार, चार्जिंग, एनिमेशन, म्यूजिक विजुलाइजर, मीडिया आर्ट, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मिसलेनियस में आते तो आपको यहाँ पे गेमिंग मोड देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप इसमें 15-20 मिनट देंगे तो आपको सारे कस्टमाइजेशन के बारे में ठीक से पता चल जाएगा। रॉम इस टाइम पे काफ़ी स्मूथ चल रही है, बस मैंने वो आपको यहाँ पे लाइक बता दिया वो कुछ इस तरीके का। बाकी यहाँ पे जेस्चर्स वगैरह परफेक्टली वर्क कर रहे, कोई भी यहाँ पे सिस्टम में वैसे वो छोड़कर कोई भी ऐसा लाइक देखने को नहीं मिला। रिसेंट पैनल कुछ इस तरीके का देखने को मिला आपको यहाँ पे, जो कि बेसिक एंड्रॉइड का ही है। बाकी अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों के बारे में, तो सीपी थ्रोटलिंग को मैंने यहाँ पे रन किया था, काफ़ी अच्छे स्कोर देखने को मिले, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 मिनट तक मैंने रन किया, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 85% सीपीयू ने थ्रॉटल किया, तो ये काफ़ी अच्छी बात आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, आपको ज़्यादा ग्रीन बार देखने को मिले यहाँ पे। बाकी बेंचमार्क की तरफ जाने से पहले मैं आपको इसका DRM इन्फो एक बार बता देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइड वन लेवल जो है वो आपको L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही मैं आपको यहाँ पे जो गूगल प्ले स्टोर है उसमें भी आपको यहाँ पे सेटिंग में आते तो जो डिवाइस है वो आपको यहाँ पे सर्टिफाइड देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें अभी यहाँ पे बेंचमार्क की, तो गीगबेंच 5 को मैंने यहाँ पे रन किया था, तो काफ़ी बैलेंस मुझे यहाँ पे स्कोर देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल कोर में आपको यहाँ पे 458 स्कोर देखने को मिला है, और वही अगर हम बात करें यहाँ पे मल्टी कोर स्कोर की, तो यहाँ पे आपको 1309 देखने को मिला है, जो कि काफ़ी स्टेबल और काफ़ी बैलेंस आपको यहाँ पे स्कोर देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे बेंचमार्क भी देखने को मिलते थे। अभी बात कर लेते हैं इस रोम को आपने यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं, तो जी बिल्कुल आप इस रोम को इंस्टॉल कर पाएंगे, काफ़ी स्टेबल है। पिछले के कुछ अपडेट्स में आपको यहाँ पे इवोल्यूशन एक्स में काफ़ी हीटिंग इशू फेस किया था मैंने, और मैंने वो वीडियोज़ में भी बताया था, लेकिन अभी के जो अपडेट है वो काफ़ी स्टेबल लगा मुझे, हीटिंग इशू कोई भी देखने को नहीं मिला। मैं गेमिंग भी करके देखी मैंने, थोड़ी बहुत हीटिंग इशू कहीं पर भी नहीं है, और गेमिंग में आपको यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी काफ़ी अच्छा चलता है। अगर हम बात करें यहाँ पे स्मूथनेस की, तो वही बस नोटिफिकेशन वाला जो बग है वो छोड़कर और सिस्टम ये कभी कभी क्रैश हो जाती है, मतलब ऐसे नहीं कि एकदम 5-5 मिनट में हो गया, ऐसे कुछ नहीं, कभी कभी यहाँ पे एक आध बार हो सकती है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे मैंने 2 बग फेस किए यहाँ पे, वो सब छोड़कर काफ़ी अच्छे रोम आपको देखने को मिल जाती है, और कस्टमाइजेशन के जो ऑप्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में रोम की लिंक मिल जाएगी, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
सो आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन बाय एंड स्टे सेफ.